तो फाइनली गाइज वीवो V23e 5G स्मार्टफोन की दोस्तों ऑफिशियली इंडियन लॉन्च डेट जो है वो कंफर्म हो चुकी है और 21 फरवरी को यानी कि दो दिन बाद ही दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो गाइज वीवो की V23 सीरीज में हमें दो फोन पहले इंडिया में देखने को मिल चुके हैं, वीवो V23 एंड V23 प्रो, लेकिन ये तीसरा फोन आने वाला है जो कि हर बार आता ही है, वीवो V23e, और ये भी दोस्तों एक 5G फोन होने वाला है, दो दिन बाद इंडिया में लॉन्च होगा। तो इसके स्पेसिफिकेशन दोस्तों ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं, तो इसी के ऊपर हम लोग वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। खैर चलिए वीडियो सीधा स्टार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू 91mobiles.com यहां पर आपको 6.4 इंचेस की एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन के साथ। यहां पर रिफ्रेश रेट के ऊपर कोई न्यूज़ है नहीं, लेकिन यहां पर शायद 60Hz का रिफ्रेश रेट ही आपको देखने को मिलेगा, कोई भी हायर रिफ्रेश रेट यहां पर आपको नहीं मिलेगा। एंड इसके अलावा परफॉर्मेंस की दोस्तों बात करूं तो यहां पर आपको डायमंड सिटी 810 वाला 5G चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि 6nm पर है, तो काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट भी है और पावरफुल भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड इसके अलावा ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा 50MP प्लस 8+2MP एंड फ्रंट साइड में है दोस्तों 44MP का सेल्फी कैमरा। एंड इसके अलावा 4050mAh की बैटरी है और साथ में आपको 44W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। और इसके अलावा 3.5mm का हेडफोन जैक होगा, डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लॉट का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो बाकी सारे फीचर्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, खास करके कैमरा इस फोन का दोस्तों काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि वी सीरीज स्पेशली दोस्तों कैमरे के लिए ही जानी जाती है। तो यहाँ पर प्राइसिंग की बात करूँ तो प्राइसिंग के बारे में अभी तक कोई न्यूज़ है नहीं, लेकिन ये जो स्पेसिफिकेशंस आए हैं उसके ऊपर से अगर एक एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की गाइस बात करूँ तो 20,000 से 25,000 के बीच में आपको इसकी प्राइस देखने को मिल सकती है, 22,000 से 23,000 तक इसकी प्राइस हो सकती है क्योंकि 5G फ़ोन है और चिपसेट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है और कैमरा वगैरह भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और वैसे भी दोस्तों वीवो के फ़ोन की प्राइस आपको बाकी फ़ोन की कंपनी से ज़्यादा देखने को मिलती है, तो 20,000 से 25,000 के बीच में ही गाइस आपको इसकी प्राइस देखने को मिलेगी। तो दो दिन बाद इंडिया में लॉन्च हो रहा है, तो देखते हैं क्या कुछ नया होता है, क्या किस तरीके की कैमरे की ऑप्टिमाइजेशन होती है। खैर आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए आप लोग एक्साइटेड है या फिर नहीं, और किस फ़ोन का आप लोग वेट कर रहे हैं वो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर से बता देना। खैर मिलते हैं अपने अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।